आदर्श अकेडमी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और जीके और करंट अफेयर इसके साथ साथ गवर्नमेंट जॉब से संबंधित अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आदर्श अकेडमी। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में 15 मार्च 2018 का जो एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम हुआ है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं, उसी को हम आपके सामने वीडियो के माध्यम से प्रेजेंट कर रहे हैं। जो क्वेश्चंस हमें जीके, मैथ्स और इंग्लिश के मिले हैं वही क्वेश्चंस हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो अगर आपको क्वेश्चंस मिले तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें क्वेश्चंस बताया करिए ताकि हम उस पर उससे रिलेटेड वीडियोस लेकर आते रहें और उससे रिलेटेड जो जनरल स्टडीज़ यानी जीके से संबंधित और करंट अफेयर से संबंधित टॉपिक हैं उन पर भी वीडियोज़ लाते रहें। तो देखिए, एक क्वेश्चन आया था कि श्रीलंका का सर्वोच्च बिंदु कौन सा है, तो पिदुरुतलगला ये 2500 मीटर इसकी ऊँचाई है, तो ये श्रीलंका का सर्वोच्च बिंदु है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था उमंग ऐप से संबंधित, तो उमंग ऐप में जी का मतलब क्या होता है, तो जी का मतलब होता है गवर्नेंस। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन एमएसपी को निर्धारित करता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होती है जो मार्केट में किसानों को दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसको कौन निर्धारित करता है कि कितना एमएसपी होगा, इसको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर यानी कृषि से संबंधित जो मंत्रालय है वो इसको निर्धारित करता है। फिर एक क्वेश्चन अवार्ड से संबंधित बनाया गया था। देखिए, जितने भी वीडियोस हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड हैं उसको आप जरूर से ज़रूर देख लीजिए क्योंकि सभी चीज़ों को हमने उस वीडियो के माध्यम से कवर किया है। तो देखिए, यहाँ पर अवार्ड से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसको भी हमने वीडियो के माध्यम से कवर किया था। तो देखिए, क्वेश्चन है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री को पिकॉक अवार्ड मिला, तो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनको मिला, उनका नाम है चंद्रबाबू नायडू, इनको पिकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का पहला सोलर मिशन यानी सौर मिशन कौन सा है, तो 2018-19 में ये मिशन है सोलर मिशन, इसका नाम है आदित्य एल वन, ये भारत का पहला सोलर मिशन है 2018-19 के लिए। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि IDA किससे संबंधित है, तो IDA जो है ये इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है और ये वर्ल्ड बैंक से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन पूछा गया था सिख धर्म से संबंधित, अब क्वेश्चन क्या था ये एग्जैक्ट नहीं पता चल पाया है, तो सिख धर्म से संबंधित जो उनके गुरु हैं उनके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए, क्या क्या चीज़ें क्या क्या नीतियाँ लागू की थी लुसेंट में जैसा दिया गया है उसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि किस शासक ने सबसे पहले जजिया कर को लगाया था, तो देखिए गुलाम वंश में सबसे पहले ये जजिया कर लाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। इनका जो समय काल था कुतुबुद्दीन ऐबक का ये 1206 से 1210 के समय में था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो गुलाम वंश के थे इन्होंने सबसे पहले भारत में जजिया कर को लगाया था। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था पॉलिटिक्स संबंधित, जो हमें मिल पाया है उनकी बात कर रहा हूँ, तो एक क्वेश्चन था पॉलिटिक्स संबंधित कि अनुच्छेद कौन सा है जो आपातकाल का उपबंध करता है भारतीय संविधान में, तो आर्टिकल 352, 356, 360 ये आपातकाल का इमरजेंसी जो प्रोविडेंस होते हैं उनके लिए एक प्रावधान करता है। उसके बाद भारत की नदियों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में तो सभी के बारे पता होना चाहिए कि कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है, कहाँ जाकर मिल रही है, कौन सी सहायक नदी है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था फाइंड पोटेंशियल एनर्जी इफ़ एन इज इक्वल टू 5 एंड एम इज इक्वल टू 250 किलोग्राम। इसके बाद एक क्वेश्चन था कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 337.5 यानी 337.5 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो पूछा गया था कि फाइंड रेडियस, अब से रेडियस पूछा जा रहा था क्यूब का। इसके बाद एक क्वेश्चन था कि सर्कमफ्रेंस दिया था 22 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ सर्किल पूछा गया था, तो 3 क्वेश्चंस लगभग हमें मैथ्स के मिल पाए हैं। इसके बाद इंग्लिश से संबंधित 3 पोर्शंस के क्वेश्चन मिले, एक तो सिनोनिम से संबंधित 2 मिले हैं और एंटोनिम से 2 और स्पेलिंग मिस्टेक से 1 क्वेश्चंस हमें मिल पाया है। तो देखिए, ओवरऑल अगर हम पेपर की बात करें तो मैथ और रीजनिंग जो था वो इजी लेवल का है, इंग्लिश थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का है, जीके थोड़ा सा एप्लीकेटिव है यानी थोड़ा सा टफ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ओवरऑल एनालिसिस था, जो क्वेश्चन हमें मिले वो हम आपको प्रोवाइड कराएं। तो जो क्वेश्चन आपको पता चले आप हमें कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर दे सकते हैं। इस वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा उसको प्रेस कर लीजिए और घंटी का निशान आएगा उसको भी दबा लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।